बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जोया गोट फार्म। माशाल्लाह दोस्तों, जोया गोट फार्म पे और मक्की चीनी ब्रीड का फार्म है और माशाल्लाह ये एक ब्रीडिंग फार्म है। इस फार्म पे गाय बगाय बकरियों के बच्चे पैदा होते रहते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, माशाल्लाह फीडिंग टाइम है दोस्तों। जोया गोट फार्म पे प्योर मक्की चीनी और खालिस ब्रीड मौजूद है। एक ओल्ड ब्लड लाइन काफ़ी सालों से चलती आ रही है, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे हर दिन नई वीडियो अपलोड की जाती है आप शौकीन दोस्तों के लिए, ताकि आप लोग नए जानवरों का शौक कर सकें। दोस्तों माशाल्लाह पाकिस्तान में गोट फार्मिंग उरूज पे है। हर दूसरा बंदा ये सोच रहा है, ये स्टार्ट कर चुका है या स्टार्ट कर रहा है गोट फार्मिंग। और हम अपनी हर वीडियो में इस बात को लाजम हाईलाइट करते हैं कि अगर आप कामयाब गोट फार्मर बनना चाहते हैं तो आप एक नस्ल एक ब्रीड पे काम करें, ताकि आने वाले वक्त में आपकी जो आने वाली प्रोडक्ट हो, बच्चे हों, वो आप महंगे दामों सेल कर सकें। आप किसी मंडी से या किसी आम ब्रीड से स्टार्ट करेंगे, किसी दोगली ब्रीड से, तो दोस्तों आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप किसी अच्छी ब्रीड से गोट फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों मक्की चीनी ब्रीड पाकिस्तान के हर इलाके हर शहर में कामयाब है और ये डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, दूध के लिए भी और गोश्त के लिए भी। माशाल्लाह ये एक खूबसूरत ब्रीड है और माशाल्लाह दूध की जो इसकी मिल्क प्रोडक्शन है वो एक अच्छी बकरी की 5 से 6 केजी है। और माशाल्लाह इस ब्रीड में कुव्वत मदाफियत भी बहुत ज़्यादा है। वेट के हिसाब से इस ब्रीड के जो बकरे हैं माशाल्लाह वो एक अच्छा वेट गेन करते हैं। दोस्तों जोया गोट फार्म पे माशाल्लाह प्योर ब्रीड है। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप किसी आजड़ी किसी फार्म और या किसी चरवाहे से गोट परचेज करें, ना कि मंडी से। दोस्तों मंडी और फार्म के जानवर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि मंडी में आपको प्योर ब्रीड प्योरिटी में नहीं मिलेगी, जबकि आप फार्म से अगर बच्चे या बकरी या कोई ब्रीडर परचेज करेंगे तो आपको पेडिग्री मिलेगा, आपको उसका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। और आप अगर अच्छी ब्रीड से स्टार्ट करेंगे तो आप जल्दी कामयाब होंगे, क्योंकि ब्रीड की सिलेक्शन गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों हमारे चैनल जोया गोट फार्म यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आपका जो सवाल है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।